ये हमारे पास VU का बोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है 49SU131। इसमें फॉल्ट क्या है, हमने पावर ऑन किया, स्टैंड बाई इंडिकेटर जो है वो रेड है, ठीक है, और ये रेड ही रहती है चाहे हम पावर की दबाएं यहाँ से, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं, पहले सभी वोल्टेज चेक करेंगे और मैं समझाता भी जाऊंगा, और उससे पहले मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ ये फॉल्ट कैसे हम डायग्नोस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बोर्ड है वो है 49SU131 VU का है, 49 इंच का एंड्रॉयड। ओके, इसमें जो प्रोसेसर यूज की है उसमें जाने वाले वोल्टेज 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये सभी सप्लाई पहले हम चेक करेंगे और इसके बाद हम डेटा लाइन चेक करेंगे जो EMMC IC के लिए होते हैं। ओके, सो हम डेटा लाइन और क्लॉक और कमांड CLK और CMD, ये लाइन की कम्युनिकेशन देखनी है हमें, ये कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, हम डायोड टेस्ट से ये इनकी रीडिंग लेंगे। ये D0 से D7 डेटा लाइन होती है और EMMC IC में जाने वाले 3.3 वोल्ट VCC और 1.8 वोल्ट VCCQ हमें ये भी चेक करना है। सो ये सब कुछ सही हो तभी IR का कुछ फंक्शन हो सकता है या की से काम हो सकता है। तो हमें पहले चेक करना है इसके सभी वोल्टेज प्रोसेसर में जाने वाले और EMMC के। ओके, और कहीं पर शॉर्टिंग ना हो इसके लिए हम डायोड टेस्ट की रीडिंग भी लेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रोसेसर शॉर्ट है, तो हमें पता चलेगा शॉर्टिंग की रीडिंग से, और फिर हमारा जो शॉर्ट फाइंडर है मेथड उससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब बोर्ड में चेक कर लेते हैं। पहले मैं बोर्ड समझा देता हूं आपको। इसमें 5 रैम लगी हुई है जो कि 1.5 वोल्ट पे चल रही है। प्रोसेसर में जाने वाले वोल्टेज 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ओके, एंड 1.5 वोल्ट। अब हम EMMC के भी वोल्टेज बता देता हूं। EMMC के वोल्टेज बन रहे हैं 1.8 वोल्ट इस रेगुलेटर से बन रहे हैं, EMMC IC में जाएंगे, और 3.3 वोल्ट यहां पर इस रेगुलेटर से बन रहे हैं VCC वोल्टेज जो EMMC IC में जाएंगे। अब हम पहले सभी वोल्टेज की रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, 11.87 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनेंगे इस रेगुलेटर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट ओके है। ठीक है, इस रेगुलेटर से ये 5 वोल्ट इनपुट और 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई जो कि इस सेंसर सर्किट में भी जाएंगे, 3.3 वोल्ट यहाँ पर आप दिखा दीजिए, 3.3 वोल्ट ओके, और बाकी प्रोसेसर में भी जाएंगे। ओके, सो ये 3.3 वोल्ट आपको चेक करना जरूरी है। जब भी आप स्टैंड बाई में अटका हुआ टीवी देखते हैं तो ये 3.3 देखना है। 1.5 वोल्ट जो कि रैम के लिए, ये 5 रैम यूज़ की है उसके लिए 1.5 वोल्ट यहाँ पर है। ओके, ये कॉइल प्रोवाइड करेगी 1 वोल्ट फॉर एंड्रॉयड प्रोसेसर, यहाँ पर आउटपुट जो निकल रहा है 1 वोल्ट इस एंड्रॉयड प्रोसेसर की सप्लाई वोल्टेज है। ओके, और कोर सप्लाई बोल सकते हैं हम इसे, और ये रेगुलेटर 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई देगा प्रोसेसर को। 3.3 वोल्ट जो MMC IC के यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर आप बता दो, ये 3.3 वोल्ट इस कॉइल से आउट होंगे, ये जो 6 पिन का रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट इनपुट लेके 3.3 वोल्ट आउट करेगा। ओके, इस कॉइल के थ्रू जो VCC वोल्टेज EMMC के लिए प्रोवाइड करेगा, और 1.8 वोल्ट EMMC के लिए VCCQ वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड होंगे, मतलब 3.3 वोल्ट यहाँ से सीधा यहाँ कनेक्टेड होंगे। ओके, और फिर 1.8 वोल्ट ये रेगुलेटर बनाएगा जो VCCQ सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो आपने देख लिया सभी सप्लाई ओके है, क्लीन कर लेंगे ताकि
हम जब रिवॉल्विंग कर रहे हैं पेस्ट के साथ, ये वाइट पेस्ट नीचे बॉल्स की साइड में, प्रोसेसर की बॉल की साइड में ना चले जाए। जिन्हें रिबॉलिंग नहीं करना आता है वो इस सफाई से अगर जो निकालते हैं आईसी को इस तरह से, तो दोबारा रिबॉलिंग करनी नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन अगर जो आईसी हिला देते हैं निकालते समय, तो फिर आपको रिबॉलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सफाई वाला किया है, फिर भी हम रिबॉलिंग करेंगे इसकी। आईसी दोबारा लगाएं तो हमें ये एरिया भी क्लीन चाहिए। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको स्टेंसिल की। यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, जिसमें यहाँ पर DDR की एक रैम के लिए है, और ये जितनी भी है ये प्रोसेसर की, 4 EMMC IC की, और ये हमारी TV वाली। और इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी UFI बॉक्स की। इसमें सॉकेट है हमारा EMMC IC का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हम आईसी फिक्स करेंगे रिबॉलिंग करके। थ्रू हमारे जो बॉल्स जहां पे बनेंगे वो एरिया क्लीन दिख रहा है, ठीक है। हमें ऐसे ही दिखना चाहिए। रिबॉलिंग के लिए मैं मैकेनिक की पेस्ट यूज कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, और SMD गन को हम प्री हीट करने रख देंगे, ज़्यादा स्टेंसिल हीट ना हो और रखते ही बॉल्स हमारे बन जाए। अगर जो ज़्यादा हीट दोगे तो स्टेंसिल फूल जाएगी और आपकी रिबॉलिंग फेल हो जाएगी। कि इसमें पेस्ट एक ही बार लगेगी, एक बार बॉल बन गए दोबारा पेस्ट नहीं लगानी है। के बाद हम एक्सेस पेस्ट निकाल देंगे, ये सोल्डर पेस्ट है जो कि हीट करने के बाद बॉल्स के फॉर्म में बन जाएंगे। अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद टेम्परेचर आपका रहेगा 309 डिग्री के करीब। आप यहाँ आ जाइए, ये बॉल्स बन रहे हैं। निकाल लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल्स बन चुके हैं। अभी एक काम बाकी है, अपनी जगह आ जाते हैं। तो ये हमारी लास्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसका मतलब EMMC रिबॉलिंग हमने कंप्लीट कर ली है। और मेरी ट्रेनिंग में ये सब कुछ आपको लाइव सीखने मिलता है, आपसे भी काम करवा जाएगा प्रैक्टिकली, आप खुद भी कर पाओगे इसे। एक बार मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कंप्लीट हो चुके हैं, इसे हम अभी जूम करके आपको बता देते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं रिबॉलिंग सक्सेसफुली हमने अचीव कर ली है। अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें, हमारे पास ओके सॉफ्टवेयर। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने इसका मेजॉरिटी ऑफ राइट सेक्शन जो है उसे स्किप कर दिया है। आपको मैं लास्ट सेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर ये राइट यूजर फाइल हो रही है। तो ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, यहाँ पर हमने डेटा राइट कर दिया है।
अब हम प्रोग्रामर से आईसी को निकाल के बोर्ड पे लगाएंगे और चेक करेंगे। आईसी को दोबारा से बोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो अभी ये सही वैल्यू पे आ गया है। अब हम बोर्ड टेस्ट कर लेते हैं। प्रोसेसर पे हम एक हीट सिंक के लिए ये लगा रहे हैं ताकि प्रोसेसर हीट होके ख़राब ना हो जितनी देर में हम चेक कर रहे हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं इसके ऑन ऑफ हो रही है या नहीं। ठीक है, अभी डायोड टेस्ट की रीडिंग कंप्लीट है। अब बोर्ड को ऑन करके चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम पिक्चर भी देख लेंगे। ये ऑन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पावर की दबाने पर ये ऑन हो गया यहाँ पर। ओके सो ये क्लियर है। थिंक पे पेस्ट लगा लेते हैं। पिक्चर बनती है या नहीं। तो अभी हम यहां पर ये 4K टीवी है इसको चेक करने के लिए यहां पर लगा देते हैं। बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। यहां पर इंडिकेटर लाइट येलो हो गई, इसका मतलब ऑन हो गया, और यहां पर व्यू आ गया लिखा हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं पिक्चर। सो ये टीवी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड टीवी में फॉल्ट था ईएमएमसी का, हमने ईएमएमसी आईसी को राइट करके इसे ठीक किया है। ओके, यहाँ पर जो फॉल्ट निकला ईएमएमसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर था हमने राइट की एक्सटेंशन CSD फाइल और बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया जो कि 14.5 GB की थी। ठीक है, सो ये सभी डेटा को राइट करने के बाद ईएमएमसी आईसी के अंदर ये टीवी स्टार्ट हो पाया। और एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी कलकत्ता में ट्रेनिंग है, वो है 12 दिसंबर को। जो भी इसके लिए बुकिंग करना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और सीट बुक कर सकते हैं। सो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और इसी तरह की जानकारी हम ट्रेनिंग में भी देते हैं। जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो है 9825842502। ओके, इस पे मुझे कॉल करके अपनी सीट रजिस्टर करा सकते हैं।